नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। प्रदेश में बच्चा चोर गिरोह द्वारा अपहरण किए जाने की अफवाहों के कई इलाकों में निर्दोष लोग भीड़ की हत्या पे चढ़ रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों के बीच उदयपुर में भी आज रक्त चरित की अंधी दौड़ के बीच 2 निर्दोष लोग भीड़ का शिकार हो गए और बेवजह सामूहिक मारपीट का सामना करते हुए रहे। तो वही खाकी ने भी निर्दोषों के साथ हुए अन्याय पर मरहम लगाते हुए 11 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। मेरा नाम तो सोहिल है सर। मैं काम पे जा रहा था रेडियम के लिए, तो मैंने इनको मार रहे थे तो देख लिया मैंने, तो मैंने सोचा कि देख के आ जाऊं मैं भी, तो मेरे को भी बाल को देख के मेरे को भी पकड़ लिए सर, फिर मेरे को भी मारम मार करने लग गए, फिर मेरे को बिठा दिए थे अंदर। क्या बोला था आपने कि मेरे से मारपीट मत करो? मैंने यूँ बोला था कि मारपीट मत करो, मैं तुम्हारा बताता हूँ, मैं रेडियम का काम करता हूँ सर। तो उनने कुछ नहीं बोला, मारपीट ही कर रहे। फिर उन्नीस सुनी क्या कह रहे थे? मारने वाले तो मार रहे धमा दम, खाली बस सुने ही नहीं ले रहे बस। सविना लाल मंगरी सेक्टर 9 विनायक डेयरी के ऊपर। मैं भी उनके साइड में देखने गया ना, तो मेरे को भी पकड़ लिया उसने बाल के कलर के हिसाब से कि ये भी इनके वाला होगा, इनको भी पकड़ लेते हैं। डर तो खूब लग रहा था ना कि सर के नाम लगा देंगे, मैं भी तो इनके लार अंदर चले जाऊंगा ना सर, यूँ इसके हिसाब से डर तो लगेगा ना सर। ये शोटर बना ले, उनको रख दो ना पास में, वो कहाँ गए उनको? हाँ नगरी अपने जाते के साथ पहुंचे दोनों व्यक्तियों को। खानपुर के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में घटिया किस्म का खाना परोसने को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोप लगाया कि नाश्ते और खाने में कॉकरोच और कीड़े निकलने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बता दें कि 27 अगस्त की रात को खाना खाने से 17 बच्चे बीमार हो गए थे। साथ ही बच्चों के अभिभावकों से बात कराने के लिए फोन कनेक्शन की भी मांग की गई है। कहा कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो शिक्षा मंत्री और डीएम से मिलकर विद्यालय में हो रही अनियमितताओं को लेकर बात करेंगे। हम लोग के इकट्ठा होने का कारण यह है कि अभी परसों की घटना है, 3-4 दिन पहले यहाँ फूड पॉइजनिंग का केस हुआ है, 17 बच्चे जो हैं बीमार हुए, तो इन्होंने बच्चों को जो है सही ट्रीटमेंट नहीं दिया और खाने में लगातार ही कीड़े मकोड़े निकलते चले जा रहे हैं, कॉकरोच निकल रहे हैं। आज भी मेरी बच्ची से बात हुई है तो आज भी उसके चने में कॉकरोच था और ये जबरदस्ती अपने बच्चों को जबरदस्ती खिलवा रहे हैं कॉकरोच। तो प्रिंसिपल तो नाकार रहे हैं इस बात सर? प्रिंसिपल तो मिल ही नहीं रहे हम लोगों से, अभी हम लोग 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब आ ही नहीं रहे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील कुमार झा हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुशील कुमार जी, बच्चों के खाने में कॉकरोच और कीड़े निकलने का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? देखिए कृतिका, मैं बता दूं आपको, ये मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी 2016 में भी 70 बच्चों को फूड पॉइजनिंग पाई गई थी। उसके बाद जो है जब लोगों ने हंगामा किया वहां पर अभिभावक आए, उसके बाद कई तरह से रसोई को लेकर और जो पोषण आहार दिया जाता है उसको सुधारा गया था, लेकिन उसी 2016 के बाद 2018 में भी 2 बार इस तरह के मामले बढ़े। जबकि ये बता दूं मैं, 2018 में पोषण आहार और खाने को देखते हुए
स्कूली जितने भी बच्चे थे सबने बिल्कुल खाने को एक अलग खड़ा करके अपने आप को धरने में बिठा लिया था कि या तो पोषण आहार हमको सही दीजिए या बिल्कुल आज तक वो जो है दो दिन तक लगातार लोग बच्चे भूखे रहे। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर कई बच्चों को समझाया गया और उसके बाद अब ये 27 का मामला है जिसमें बच्चों को जो है लगातार खाने में कीड़े कंकर और जो है कॉकरोच पाए गए हैं। लगातार उनके अभिभावकों ने भी इस बात की लगातार शिकायत करते रहे हैं। बच्चे हमेशा अभिभावकों ने कहा है कि बच्चे हमेशा जब भी स्कूल से छुट्टी घर पे आते हैं वो लगातार यही बताते हैं कि कोई सुधार नहीं किया जा रहा है और जब भी हम इस बात को कहने के लिए प्रिंसिपल या किसी को स्कूल प्रशासन को कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं एक डर दिखा दिया जाता है और जिस वजह से हम चुप रहना पड़ता है। लेकिन फिलहाल स्थिति है लगातार फूड पॉइजनिंग की संभावना जब से दिखाई दे रही है तो लगातार बच्चों की बीमार होने की। कुमार देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मामला है, 17 बच्चे बीमार होना एक बहुत बड़ी बात है और आप कह रहे हैं कि बच्चों को समझा दिया जाता है हर बार इस तरह की शिकायत सामने आती है, तो आखिर प्रशासनिक अधिकारी स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये कृति का सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जब इस तरह के मामले बीमारी के मामले बच्चों के सामने आ रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग तो कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नवोदय विद्यालय पहुंचकर बच्चों को जो है उन्होंने चेकअप किया था और जो है उनके हाल जाने थे जिसमें से कुछ बच्चों को जो है अलग अलग त्वचा बीमारी खांसी जुकाम खागुल्ली बीमारी अलग अलग पाई गई थी और जो जांच के बाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि लगातार 5 दिन से इस तरह के मामले आते जा रहे हैं, बच्चे खाने को नकार रहे हैं, अभिभावक हंगामा स्कूल में जाकर कर रहे हैं लेकिन प्रशासन अभी तक भी किसी तरह से प्रशासनिक अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, ना ही किसी ने मौके पर आके इसकी पुष्टि की है। लगातार अभिभावक भी कहते हैं कि अगर इस मामले को या टेंडर को या पोषण आहार को नहीं सुधारा गया तो जो है हम डीएम के पास साथ साथ मुख्यमंत्री तक भी इस बात को लेकर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है लगातार 2016 से लेकर 2019 तक खाने को लेकर इतने बड़े मामले होते हैं लेकिन अभी तक जो टेंडर की बात करें तो जिस व्यक्ति को ये टेंडर चल रहा है उसकी इतनी शिकायत होने के बावजूद भी अब तक टेंडर बदला नहीं गया है। इसका कारण कोई बड़ा हो सकता है या कोई दबाव हो जाता है। सुशील कुमार देखा जाए तो कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, बार बार शिकायत आने के बावजूद आपने कहा कि टेंडर उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो क्या आपने स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए वहाँ के प्रधानाचार्य की बात करें तो उनसे मौखिक रूप से बात हुई है लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये जो टेंडर होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये शासन की ओर से होता है और जो है इसमें एक शासन ही अपना एक रोल रहता है। तो मीडिया ने कई सवाल भी खड़े किए कि आप शासन को लिख के दीजिए, डीएम को लिख के दीजिए खाने की इस तरह की शिकायत आ रही है, बच्चे लगातार जो है धरना दे रहे हैं, खाने की गलत निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं लेकिन आपने अब तक इस बारे में लिखे क्यों दिया? तो उन्होंने कोई संतोषजनक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया और नहीं कैमरे के साथ। अभिभावक का भी यही आरोप था कि जब भी हम अपनी बच्चों की शिकायतें लेकर खाने की शिकायतें लेकर आते हैं तो जो है प्रिंसिपल हमें आज तक मौके पर नहीं मिले, ना ही कोई संतोषजनक देते हमें जवाब देते हैं और ना ही अभी तक हमारे से मुलाकात हुई जिससे हम आमने सामने बैठकर उनसे बात कर सके, वार्ता कर सके और इसकी कमी को। सुशील कुमार तो क्या अभी तक ये मामला प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया इतनी बड़ी, आखिर इस मामले पर प्रशासन क्यों चुप्पी साधे, क्या आपने बात करने की कोशिश की किसी प्रशासनिक अधिकारी से? देखिए लगातार हमारी बात भी होती रही है लेकिन इस बारे में संज्ञान भी आया है, लगातार मीडिया में लगातार इस चीज को दिखाया जा रहा है, न्यूज़ वन इंडिया भी शुरू से लेकर अब तक इस खबर को प्राथमिकता दे रही है लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो जो है कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज में उलझे हुए हैं। आश्वासन होता है कि बच्चों को जाकर देखेंगे और जो है एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर देते हैं लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है इसमें कृतिका कि जनप्रतिनिधि जो गांव के जनप्रतिनिधि या फिर क्षेत्रीय स्तर कोई भी यहां पर अभी तक आके इन बच्चों का हाल नहीं जानने की, जो भी कोशिश हो रही है वो सिर्फ अभिभावकों की तरफ से हो रही है और किसी तरह का कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे जवाब तलब नहीं कर रहा है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। लगातार 5-7 दिन होने तो हैं लेकिन अभी तक जितनी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं बच्चों के साथ स्कूल प्रशासन की ओर से तो अब तक अभी कोई आशा भी नहीं लगती कि आगे कोई इन पे कार्रवाई हो पाएगी। जी धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तराखंड के रुड़की से जहां के राजकीय चिकित्सालय में 2 महिला कर्मचारियों ने सीएमएस पर मानसिक उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया, जहां हंगामे को बढ़ता देख सीएमएस अपना कार्यालय छोड़कर मौके से फरार हो गए तो वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत करवाया।
और महिला कर्मचारी रोशनी नोटियाल और कविता ने आरोप लगाया कि रिन्यूअल के नाम पर लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। तो वहीं इस संबंध में सीएमएस ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। मुझे 14 साल लगा है अभी यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर के पद पे मैं काम कर रही हूँ और हमें 2 साल से जो हमारे सीएमएस से पहले कंसल सर थे फिर मिस्टर सर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आराम से अपना काम किया, पूरा स्टाफ खुश था। लेकिन जब से इस साल ये आए हैं सीएमएस डॉक्टर डी के चक्रपाणी जी, सब परेशान है, पूरा हॉस्पिटल दुखी है, फोर्थ क्लास भी इनसे बहुत परेशान है, डॉक्टर्स वगैरह सब परेशान है और महिलाओं के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। 2 महीने पे अभी मार्च में हमारा रिन्यूअल होना था, 11 महीने का रिन्यूअल होता है तो हमारा रिन्यूअल होना था, बेवजह इन्होंने रोक दिया। उससे पहले सिर्फ एक बात हुई थी ऑफिस में, ये हमारे ऊपर डिपार्टमेंट में आए थे, अर्चना श्रीवास्तव मैम भी आई थी, सफाई के लिए राउंड था, देखा सब ठीक है, बोले कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी भी लगा सकता हूँ और तुम्हें आना पड़ेगा। बस इसके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई कि आप मेरे जीओ में दिखाइए, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं स्टाफ नर्स नहीं हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, जो आप मेरी नाइट ड्यूटी लगाएंगे तो उसी कारण वो भड़क गए कि तुम नेता बन रही हो, ये बन रही हो, उसी बेस पे ये इन्होंने मेरा रिन्यूअल रोक दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रिंस, देखा जाए तो राजकीय चिकित्सालय में महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला क्या है, पूरा मामला ये? जी कृतिका, आपको बता दूं कि रुड़की के सरकारी अस्पताल का पूरा मामला है जो ये सामने आया है। रुड़की के सरकारी अस्पताल के सीएमएस जो डॉक्टर चक्रपाणी हैं, उनका मामला है जिसको लेकर इन्होंने महिला कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर डाली है। बात की जाए, पहला ऐसा मामला नहीं है जो इनके साथ आया है, इससे पहले भी कई बार ये विवादों में आ चुके हैं। बात की जाए, पत्रकारों से इन्होंने बदतमीजी किया उसकी, उससे पहले भी अन्य भी बदतमीजियां करते हैं। लेकिन हालांकि जो ताजा मामला है, ताजा मामले में देखते हुए 2 महिला कर्मचारी हैं जिन्होंने मानसिक उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप सीएमएस के ऊपर लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने काफी हंगामा किया। हंगामा जब वहां पर ज्यादा बढ़ गया तो सीएमएस अपना कार्यालय छोड़कर वहां से भागते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने हंगामा शांत करा। पूरा मामला यही है कि संविदा कर्मचारी हैं जो जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनका रिन्यूअल किया जाना था, लेकिन रिन्यूअल का जो समय होता है, समय पर रिन्यूअल करने से जो सीएमएस है उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया और जिसके लिए उन्होंने उनसे रिश्वत भी मांगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं बात की जाए रिश्वत देने के लिए जब उन्होंने मना कर दिया तो नाइट ड्यूटी उन्हें लगाने का उन्हें कहा गया कि आपको नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका रिन्यूअल हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं महिला कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस उत्पीड़न को लेकर कहीं जो संविदा कर्मचारी है नाइट ड्यूटी करने का उनका क्या हक बैठता है, जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सीएमएस बौखला गए और बौखलाकर साफ तौर पर उनके साथ उत्पीड़न भी करने लगे और कहने लगे कि इस तरह का जो मामला है इनका नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर इनमें रोज देखने को मिला और रोज देखने के बाद काफी इन्होंने हंगामा किया। हंगामे के बाद सीएमएस वहां से भागते हुए नजर आए और यही देखने वाली बात होगी जो किस तरह का पुराना विवादों से नाता सीएमएस का रहा है, अभी तक इन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो पाती है और कितना मामला बढ़ने के बाद भी। हालांकि सीएमओ की बात की जाए, सीएमओ ने जब इन्होंने शिकायत पूरी तरह से शिकायत स्वास्थ्य सचिव से महिला कर्मचारियों ने की तो सीएमओ ने भी इसकी पुष्टि कर दी, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो किसी का देखने वाली बात होगी कि जो मामला इतना संगीन होता चला जा रहा है। आपने कहा कि इससे पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, कई आरोप और भी लगे हैं, तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती? क्या अभी 2 महिलाओं ने जो आरोप लगाया है उनके द्वारा कोई मामला दर्ज करवाया गया है? किसी का आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल में अधिकारियों से कोई अवगत कराया है पूरे मामले को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जाए तो सीएमएस से पहले भी आरोप लगते चले आए हैं। इससे पहले भी एक जो एक इसमें कार्यरत अधिकारी थे, उनके रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने सीएमएस ने उनका तकरीबन 1 साल बाद तक उनका ना ही कोई पेंशन ना ही फंड ये सब रिलीफ नहीं किया था, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले जब स्वास्थ्य सचिव रुड़की सरकारी अस्पताल दौरे पर पहुंचे थे, दौरे के तो उनके सामने ही स्वास्थ्य सचिव के सामने ही उस कर्मचारी ने पूरा हंगामा किया था और सारी मामले से अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सीएमएस ने अपनी तानाशाही का जो रवैया है, रवैया झुका तो लेकर चल रहे हैं, उस रवैया को लेकर उन्होंने पूरी शिकायत की थी। लेकिन बात की जाए तो इससे पहले भी एक बार जब पत्रकार वहां पर कवरेज करने पहुंचे थे तो पत्रकारों को कवरेज से भी इन्होंने सीएमएस ने वहां पर रोका था, काफी हंगामा वहां पर खड़ा हो गया था। तो बात की जब पूरा मामला किया जाए तो कहना कि सीएमएस जो है वो तानाशाही का रवैया वहां पर अपना रहे हैं और बाद में उन्होंने पत्रकारों से इस बात पूरे मामले को लेकर जब भाजपा के नेता वहां पहुंचे थे तो माफी भी मांगी थी, लेकिन रवैया उनका इस तरह नहीं बदलता जा रहा है। हालांकि बात की जाए जो अस्पताल में सरकारी अस्पताल में जितने भी डॉक्टर है तभी जुबान में सभी इनका विरोध करते हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलने का साहस नहीं कर पाता है। अब ये देखने वाली बात होगी जो इतना बड़ा जो इनका रवैया चल रहा है इस मामले पर, कब तक इस पे लगाम लग पाती है और क्या पूरा मामला आगे देखने को मिलता है। धन्यवाद प्रिंस इस तमाम जानकारी के लिए।
दाता रामगढ़ के ऐतिहासिक किले का एक हिस्सा ढह गया, जहां इस दौरान गढ़ के नीचे गोपीनाथ जी मंदिर का भी एक बड़ा हिस्सा इस गढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। बता दें कि मुख्य रूप से प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि किले के वैभव को बचाए रखने के लिए कारगर उपाय खोजने होंगे, साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना होने से भी बचाने के उपाय करने चाहिए। हमारे दातारामगढ़ में दातारामगढ़ का सबसे बड़ा मंदिर गोपीनाथ जी का मंदिर है, जिसके ठीक पीछे साइड में प्राचीन काल का किला स्थित है, जो काफ़ी दिनों से जर्जर की अवस्था में था। कल रात्रि 11:30 बजे के लगभग यह किला एकदम से पूरा ध्वस्त हो गया, और जैसे सामने से आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा किला ध्वस्त हो गया, और रात्रि के समय में किले का गिरने से काफ़ी दूर में यहाँ नुकसान हो गया। यह गोपीनाथ जी का बड़ा मंदिर है, इसमें काफ़ी दूर से नुकसान हो गया। यहाँ पे एक भजनों के लिए मंच बनाया हुआ था, वो मंच इसके साथ में ही दो रूम थे, रूम और नीचे रूम बनाया हुआ था, वो रूम ये सब क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रणवीर सिंह सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। जी रणवीर, दाता रामगढ़ का किला ढह गया है, कितना पुराना था ये किला? जा पा रही है? किला है जी, और मध्य रात्रि को यह अचानक इसकी जो एक बुरुज की दीवार थी वो ढह गई, तभी से यहाँ ग्रामीण इसे देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। मौके पर ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई, तहसीलदार हरि सिंह राव मौके पर पहुंचे हैं। जब उनसे इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इसमें पुरातत्व विभाग के साथ ही देवस्थान स्थापना विभाग को भी सूचित किया जाएगा, और पुरातत्व विभाग और देव स्थापना विभाग व राजस्व विभाग की टीम मिलकर इस बारे में संयुक्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि किले का जो हिस्सा और ढहने की संभावना है उसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर तीनों विभाग की टीम जल्द ही कार्य करेगी, और उन्होंने यह भी कहा कि अतिशीघ्र उच्च अधिकारियों को यह रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जी रणवीर, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि काफी पुराना किला है ये, और काफी जर्जर अवस्था में भी दिख रहा है, कितने समय से ये किला यहाँ स्थापित है, और क्या कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस किले की ओर ध्यान दिया है, क्या इसके संरक्षण की बात की गई है कभी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह किला काफी पुराना हो चुका है, और किले पे कई बार धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं। यहाँ पर दूर दराज से बाबा बालीनाथ का एक मंदिर है इस परिसर के अंदर, वहाँ पर हर साल धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, गांव के युवा मंडल द्वारा कार्यक्रम करवाए जाते हैं, लेकिन एक किला इतना पुराना हो चुका है कि विभाग या प्रशासनिक कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए, अब फिर जानकारी देने के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कार्रवाई रही है अभी तक प्रशासन की? फिलहाल अभी तक मौके पर तहसीलदार हरि सिंह राव ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे थे, और उन्होंने मौका स्थिति का जायजा लिया है, और उन्होंने कहा कि पुरातत्व व देव स्थापना विभाग की टीम मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेगी, और अतिशीघ्र उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी जा रही है। धन्यवाद रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना के नेतृत्व में नहर पार क्षेत्र के क्लिनिक पर छापा मारकर कागजातों की जांच की, जहां इस दौरान टीम ने कई क्लिनिक्स को सील भी किया। तो वहीं डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, जिसके बाद इन्हें नोटिस भी दिया गया था। मौके पर तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी भी मौजूद रहे।
कार्रवाई कर चुके थे, इनको चालान दिया गया था और ये क्या दिया गया था कि इनको अपने जो है दस्तावेज मूल रूप से जो है सीएमओ ऑफिस में उपलब्ध कराए। ये सीएमओ ऑफिस आए भी थे लेकिन बगैर कोई अपना जो है कागज दिखाए हुए चले भी गए थे। तत्पश्चात उसके बाद फिर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इनकी शिकायत की गई थी और लिखित रूप में भी शिकायत उपलब्ध है तथा ऊपर से भी आदेश हैं जो क्लिनिक रजिस्टर्ड हो उनको जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए, हमारी टीम और तहसीलदार साहब और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय के जो है उपस्थिति में टीम ने जो है अपनी कार्रवाई की थी और जब देखा गया तो वहाँ पे ना तो कोई प्रपत्र फिर नहीं दिखा पाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनीश रजा हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनीश, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, क्लिनिक्स पर छापेमारी की गई है, क्या कुछ इस कार्रवाई में सामने आया है? लगता है अनीश रजा से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पाया। आपको बता दें उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा क्लिनिक्स पर छापेमारी की गई। सितारगंज में जिन क्लिनिक्स का रजिस्ट्रेशन नहीं था उन्हें सील कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।